आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही फेमस बुक जिसका नाम है द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, जिसे लिखा है डेल कार्नेगी ने। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। क्या कभी आपने पूरे क्लास के सामने अकेले प्रेजेंटेशन दिया है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप स्टेज पर हैं और हजारों लोगों की नजरें सिर्फ आप पर टिकी है? क्या आप स्पीच देते वक्त थोड़ा सा नर्वस फील करते हो? अगर इन सारे सवालों का जवाब हाँ है तो ये बुक पढ़कर देखिए, क्योंकि ये किताब आपके दिल से पब्लिक स्पीकिंग का डर हमेशा के लिए मिटा देगी। अब जरा सोच कर देखिए, आपको स्कूल के इवेंट में कुछ बोलना है, इस बात की पूरे चांसेस है कि आप ये सोच करके टेंशन में आ जाए कि किस टॉपिक पर बोलना है। लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं, क्योंकि आपके लिए टॉपिक चूज करने से लेकर के स्पीच डिलीवर करने के मेथड तक हर चीज में आपकी ये किताब पूरी मदद करेगी। इस बुक में उन्होंने कई सारे टिप्स दिए हैं जिससे आप भी एक ग्रेट पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं। इस बुक में कई सारे चैप्टर्स हैं जिसमें पब्लिक स्पीकिंग के डिफरेंट टॉपिक्स दिए हैं, और हर चैप्टर के आखिर में कुछ सवाल और एक्सरसाइज भी दी गई है जो आपको जानने में हेल्प करेगी कि वो पर्टिकुलर चैप्टर आपको कितना समझ में आया। और आपको हर चैप्टर के अंदर कुछ गाइडेंस देने के लिए कुछ पैसेजेस भी है जिसे आप मेन टॉपिक्स के एग्जाम्पल के तौर पर यूज कर सकते हैं। लेकिन कोई भी चैप्टर अवॉइड ना करें, क्योंकि हर चैप्टर में एक लेसन है और अलग यूज है। तो ये होगी किताब की बात। अब चलिए इस किताब को पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट चैप्टर है ऑडियंस के सामने कॉन्फिडेंस को बनाए रखना। हमें बोलते हुए कोई देख रहा है, कोई हमें ऑब्जर्व कर रहा है। हमारे बाल कैसे हैं, शूज तो ठीक है, ये कपड़े तो ठीक है ना, ये सब कुछ सोच कर ही हम अक्सर ही अनकॉन्शियस हो जाते हैं। लोग हमें जज करेंगे, ये ख्याल हमेशा हमारे जहन में रहता है। मगर सवाल ये है कि क्या हमें इस डर को खुद पर हावी होने देना चाहिए या फिर नहीं। अब सवाल ये है कि इस डर से बाहर कैसे निकले। तो जवाब इसका ये है, फेस इट, इसे फेस कीजिए, यानी कि डर का सामना कीजिए। आपको ऑडियंस के सामने स्पीच देनी है। फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग यहीं से शुरू होती है। कई लोगों की आंखें आपको देख रही है, ये सोचकर ही आप नर्वस होने लगते हैं, राइट? तो इस डर से निकलने के लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करनी होगी। जितना भी आपसे हो सके आपको पब्लिक के सामने बोलने की कोशिश करनी होगी। जल्द ही इस वजह से आपकी हेजिटेशन दूर होगी और आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता रहेगा। इसीलिए जितना भी हो सके पब्लिक के सामने बोलना शुरू कीजिए। आपके अंदर का डर खुद ब खुद खत्म हो जाएगा, क्योंकि पहली कोशिश में गलतियां हो सकती है, मिस्टेक हो सकती है, मगर डरने की कोई बात नहीं है। दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता। पहली बार में सबसे गलतियां होती है, लेकिन लगातार प्रैक्टिस करते रहिए ताकि अगली बार बेहतर कर सके। तो इस बुक में दिए गए 5 स्टेप्स आपको बताएंगे कि ऑडियंस के सामने कॉन्फिडेंस कैसे बनाए रखे। तो फर्स्ट स्टेप आता है कि आपकी ऑडियंस आपको ऑब्जर्व करती है, इसीलिए आपको आपकी ऑडियंस पर फोकस करना है, क्योंकि यही वो लोग हैं जिनसे आपको डायरेक्टली बात करनी है, ना कि दीवार पर लटकी हुई उस घड़ी से और ना ही उस प्लेटफॉर्म से जहां पर आप खड़े हैं। तो इस बात पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए कि आप पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहते हैं। इसके आगे सेकंड स्टेप की बात करें तो जो भी आपको बोलना है उसकी तैयारी कर जाइए, अच्छे से याद कीजिए। एक खाली दिमाग के साथ प्लेटफॉर्म पर जाना बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। जब आपका दिमाग खाली होता है तो आप दूसरी बहुत ही अनइम्पॉर्टेंट बातों के बारे में सोचने लगते हैं, जैसे कि मेरे बाल ठीक तो लग रहे हैं ना, मैं सही तो कर रही हूँ ना, अगर मैं फेल हो गई तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए आपको कुछ ऐसा चाहिए जिसे कहते वक्त आप पूरे कॉन्फिडेंट हो। और अगर आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हो तो आपके पास स्पीच रेडी होनी चाहिए, ऐसा टॉपिक जिसके बारे में आपने रिसर्च की हो। जाहिर सी बात है, आप ऑडियंस के सामने ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकते जिसके बारे में आप खुद फैमिलियर नहीं है। कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होने से बचिए। आगे थर्ड स्टेप आता है, एक्सेप्ट इट, यानी कि सक्सेसफुल होने के बाद इसके एक्सेप्टेशन भी करो। जैसे कि एक पर्सन अपनी जिंदगी में पहली बार स्टेज पर परफॉर्म करने जा रहा था, स्पीच देने के लिए जा रहा था कि तभी अचानक से वो बीच में ही रुक गए। उन्हें इतनी शर्म आई कि वो अपनी सीट पर जाकर बैठ गए। ये बड़ी अजीब सी सिचुएशन थी। वो साइड में अपने बेस्ट फ्रेंड की तरफ मुड़े और बोले, देखो मैंने बोला था ना मुझसे नहीं होगा, देखा किस तरह से मैं फेल हो गया। इसीलिए
हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए। अगर आप सोचेंगे कि आपसे नहीं होगा तो डेफिनेटली पक्की बात है आप फेल हो जाओगे। इसके आगे चौथे स्टेप की बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट में।